आपके साथ हिमाद्री शर्मा और वक्त आपका शहर आपकी खबर का। और खबर की शुरुआत बिहार से करेंगे, जहां पर बिहार के अररिया जिले में एक निर्माणाधीन पुल नदी में समा गया और ये पुल सिकटी और कुर्साकांटा प्रखंड को जोड़ने के लिए 12 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था, लेकिन निर्माण के दौरान ही ये पुल भरभरा कर गिर गया। पुल का उद्घाटन होने से पहले ही ये पुल हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये निर्माणाधीन पुल नदी में जा समाया, जिस तरह से ब्रिज नदी में जा समाया है, इससे इसकी तकनीक को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ पुल की ये जल समाधि अपने आप में एक बेहद ही विचित्र घटना, क्योंकि उद्घाटन कुछ समय बाद होने वाला था लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये पुल नदी में समा गया। इस पुल ने जल समाधि ले ली, स्वतः ही जल समाधि इस पुल ने ले ली। देखिए, लोग पास से वीडियो बनाते भी आपको नजर आएंगे कि किस तरह से ये पुल एकदम से नीचे की ओर खिसकते हुए नदी में जा समाया। तो बिहार के अररिया में ये पुल बन रहा था, कुछ ही समय बाद इस पुल का उद्घाटन होना था लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही इस पुल ने जल समाधि ली। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तिनके की तरह ये पुल भरभरा कर नीचे गिरा और नदी में समा गया। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अगर ये पुल शुरू हो चुका होता, इस पर यातायात चल रहा होता तो बेहद बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। अब जांच की जाएगी, क्वालिटी को लेकर सवाल कि किस तरह का मटेरियल यूज किया गया था, कि अभी तो ये पुल बन रहा था, उद्घाटन होना भी बाकी था लेकिन उससे पहले ही नदी में ये पुल समा गया। और ऐसे में जो पुल अपने आप को नहीं संभाल पाया, अगर उसका उद्घाटन हो चुका होता तो वो आम जन को कैसे आर से पार करता, जो खुद अपनी नैया पार नहीं लगा पाया। निर्माण क्वालिटी, निर्माण सामग्री को लेकर, क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ गनीमत रही कि इस पुल का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ था, क्योंकि उद्घाटन के बाद अगर यह हादसा होता तो ये किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। शुक्र मनाइए कि ये पुल निर्माणाधीन था और निर्माण के समय ही इसकी हकीकत पता चल गई। लोग आसपास खड़े वीडियो भी बना रहे हैं, कुछ लोग पुल के आधे हिस्से पर चढ़ कर देख भी रहे हैं। तो ये वो पुल है, निर्माणाधीन ये पुल था, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये पुल। तो यहाँ के विधायक विजय कुमार मंडल चुना गया, बाद में वह प्राकलन राशि को वहाँ पटना से बढ़ाया तो 7 करोड़ का पुल फिर 20 करोड़ का हुआ। वह संपन्न हुआ, बोल्डर पिच नहीं हो पाया जिसके चलते पुल रह गया और पश्चिम तरह नदी आ गई। फिर दोबारा जो है यह पुल जो है सेंक्शन हुआ और पुल बन करके रेडी होने लगा, उस समय हम लोग ग्रामीण शुरू से विरोध किया इस ठेकेदार का कि आप जो है अनियमितता बरत रहे हैं, अच्छा से काम आपका चल नहीं रहा है। हम लोग उनको अगर बताते थे कि ये बालू, ये बजरी नहीं लगना चाहिए मिट्टी वाला, तो वो वही वही लगाता, जिसमें हम लोग बहुत बार रोके। अररिया से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि का रुख करेंगे। रवि, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पुल भरभरा कर नीचे गिर जाता है, जल समाधि ले लेता है, और लेकिन अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, पुल की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है? जी, से ग्रामीणों का कहना था कि जो पुल का काम हो रहा है उसमें काफी अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर में ये पुल आता है और 2021 से इस पुल का निर्माण प्रारंभ हुआ था और आसपास ये कुर्साकांटा और सिकटी जिले को जोड़ने वाली ये पुल है, काफी महत्वपूर्ण पुल मानी जाती है और वो बाढ़ग्रस्त इलाका रहता है। इस पुल के बन जाने से लोगों को आगमन में काफी सहूलियत होती है, लेकिन आज जिस तरह से पुल भरभरा के गिर गया और नदी में गिर गया, ये बकरा नदी है जहाँ पे ये पुल बन रहा था, लोग काफी आक्रोशित है इससे। लोगों का कहना है कि पहले से उन लोगों को लग रहा था कि ये जो पुल का निर्माण हो रहा है इसमें काफी अनियमितता बरती जा रही है, इसको लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को भी उसकी शिकायत की गई थी, लेकिन परिणाम आज जो देखने को मिला कि पुल किस तरह से भरभरा के गिर गया। जी रवि, पुल के जल समाधि लेने के बाद अधिकारियों का क्या कहना है? ग्रामीण कार्य विभाग के जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर है उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है, अन्य अधिकारियों से बात हो रही है, लेकिन जो इस ये ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर में आता था उसके अधिकारी से बात नहीं हो पा रही है। तो जी, जैसे ही इससे कुछ संपर्क होता है या कुछ अपडेट होता है। बिल्कुल रवि, नजर बना के रखिएगा और गनीमत रही कि ये पुल पहले ही जल समाधि ले गया, वरना अगर बाद में ये हादसा हुआ होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।